नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। नीतीश कुमार ने क्या भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटें आई हैं, तो क्या इस परिणाम से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को खामोश कर दिया है? खामोश इस शर्त पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के, बिहार इकाई के नेताओं का आपने अगर बयान सुना होगा इस लोकसभा चुनाव से पहले, तो वो बिहार में सरकार अपने दम पर बनाने का दावा करते रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार जो अपनी चाल चली और जिस तरह से कैंडिडेट उतारा और 12 सीटों पर उनकी जीत हुई, क्या अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार का सहारा होगा? और नीतीश कुमार ने भी क्या वो सीमा रेखा खींच दी है कि आने वाले 5 साल के लिए नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी एक बार फिर से सुनिश्चित कर ली है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार के सिकंदर नीतीश कुमार ही होंगे। इंद्र मोहन सर, पहले तमाम नेताओं के बयान आते थे, सम्राट चौधरी का बयान हो, विजय सिन्हा का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हो उनके बयान, वो अपने दम पर 2025 में सरकार बनाने का दावा करते थे। अब नीतीश कुमार ने इस चुनाव में ये कह दी, मतलब जतला दिया है, जनता ने उनको जिस तरह से समर्थन दिया कि नीतीश कुमार लायबिलिटी नहीं है, नीतीश कुमार बिहार राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जिसको मात देना किसी के लिए मुश्किल काम है और नीतीश कुमार ने वो गेम सेट कर दिया। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो भी ये चर्चा चलती है कि नीतीश कुमार इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उभर कर आए कैसे, तो दरअसल इसमें नीतीश कुमार या जेडीयू की ज्यादा इसमें अगर बात की जाए तो ये एनडीए गठबंधन का सामूहिक प्रयास था जिसकी वजह से जेडीयू की 12 सीटें आई हैं, और अगर जेडीयू साथ में नहीं होती तो बीजेपी को भी ये सीटें नहीं आती। यहाँ पे मतलब 12 सीटों से कम हो जाती, बीजेपी 2 ही सीट अपने दम पर जीत सकती थी अगर जेडीयू उनके साथ नहीं होती। इस पूरे लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण ये कहता है कि सिर्फ 2 ही सीटें वो निकाल सकती थी, बाकी सीटों पे उनको मुश्किल होती। अति पिछड़ा का वोट बैंक अभी भी नीतीश कुमार के साथ दिखा, वो उन्होंने उसको ट्रांसफर कराया, नीतीश कुमार पर विश्वास दिखा। जेडीयू का वोट बहुत हद तक ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, लेकिन बीजेपी का वोट उस हद तक जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुआ, वरना जेडीयू की सीटें और बढ़ सकती थी। पहली बात तो ये। अब दूसरी बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार किंग मेकर बने कैसे? भले ही सीटें 12 आई हो, लेकिन चूंकि बीजेपी ही अपनी सीटों में फंस गई, यहां से मुश्किल शुरू हुआ। और नीतीश कुमार की पहचान एक तरीके से कहें तो इस पूरे जो सरकार बनाने को लेकर जो पूरी कवायद थी उसमें उनकी भूमिका किंग मेकर के तौर पर सामने आई। नीतीश कुमार ने इसमें बहुत कुछ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने राज्य के लिए ही मांग की कि राज्य को विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, जो एनडीए का कैबिनेट बना है, उसमें आप देखें तो जेडीयू की भागीदारी सिर्फ 2 है। एक केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह और दूसरे रामनाथ ठाकुर जो राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन इन सब में देखें तो नीतीश कुमार को लेकर अब 2025 की कहानी बिल्कुल साफ है, क्योंकि अब बीजेपी कह रही है, सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए की जब मीटिंग चल रही थी जिसमें उन्हें नेता चुना जा रहा था, नेता दल की जब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारा नीतीश कुमार के साथ पुराना गठबंधन रहा है और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और साथ दिया है उससे ये बताता है कि ये गठबंधन आगे चलेगा। वो ये बताने के लिए काफी था कि सिर्फ एक तरफ से बात नहीं, ये दूसरी तरफ से भी बात होगी। बल्कि आप देखें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता ने भी अब नीतीश कुमार को लेकर कोई भी हार्ड लाइन नहीं ले रहा, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव का परिणाम क्या होता है वो तो बीजेपी की तरफ से, ऐसी बात नहीं। एक बार विजय सिन्हा ने बोला, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी इस तरीके का बयान नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, तो हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इन बयानों के अपने मायने हैं और ये मायने ये बताता है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए। अब जो एक आपका और सवाल था कि क्या वो अगले 5 साल के लिए भी खुद को सेव कर चुके मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत शायद इसका साथ नहीं देगी। अगर वो देती है तो वो जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि सत्ता का जब साथ होता है तो सेहत अपने आप साथ देने लगता है। मेरा ये सवाल है सर कि अगर 25 में नीतीश कुमार की पार्टी भी तीसरे नंबर की पार्टी है, तब भी वो सत्ता में है और मुख्यमंत्री है, अगर इसी फिगर पे नीतीश कुमार की पार्टी
आने वाले 25 विधानसभा चुनाव में भी रहती है, यानी कि उनका आंकड़ा 45 से 50 के बीच भी होता है, तब भी नीतीश कुमार उसके मतलब कैपेबल होंगे ये कहने के लिए दोनों ही दल को, चाहे आरजेडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और दोनों ही दलों को चूंकि नीतीश कुमार का साथ पसंद आता है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ सबको ही रहना पसंद करते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी वहीं रहती है, बाकी दोनों दल इधर उधर होते रहते हैं। देखिए, अभी से एक फॉर्मूला कहा जा रहा है, जो फॉर्मूला चलने लगा, फॉर्मूला ये है कि इन लोकसभा सीटों को आप विधानसभा सीट में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करिए तो आपके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, तो 6 पर 1, जब 6-1 लोकसभा जो है वो 6 विधानसभा की है, तो अगर आप 12 जीते हैं तो 72 सीटें आपको मिलेंगी, 72 ही सीटें बीजेपी को भी मिलेंगी, 30 सीटें जो हैं वो एलजेपी को मिलेगी, हमको 6 सीटें मिलेंगी, आरएलएम अगर चुनाव लड़ती है तो 6 सीटें उन्हें भी मिलेगी। कुल गुनागणित ये है, लेकिन इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं अभी, तो वो सीटें फिर बराबर बांटी जाएंगी। पहली बात गणित ये। अब पिछली बार के भी विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो जो 45 सीटें जेडीयू को आई उसमें 21 सीटें तो उन्हें एलजेपी ने हराई, तो अगर उन 21 सीटों पर इस बार एलजेपी साथ दे देती है, एलजेपी का वोट परसेंट बिहार में 6.47% है जो बढ़ रहा है, तो अगर एलजेपी का वोट बैंक इनके खाते में चला जाता है या इनको मदद तो करता है तो नीतीश कुमार की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब बड़ी बात ये कि नीतीश चाहते भी हैं कि चुनाव जल्दी, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर चुनाव जल्दी हुआ तो अभी का जो मोमेंटम है इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि अगर चुनाव देर से हुए तो तेजस्वी अब जिस तरीके से एक्टिव हैं उससे जरूर उनको कमजोर किया जाएगा। दूसरा, लालू यादव ने एक तरीके से आप कहें तो बिहार की राजनीति 1990 के दशक में जाती हुई दिख रही है, जहां पे पूरा लोकसभा चुनाव भी फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड होता दिख रहा था, अब फिर से एक बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि वो पूरी रूपरेखा उस तरफ दी जा रही है। हालांकि दोनों पार्टी चाहती है, आरजेडी ने भी जिस तरीके से किलेबंदी की उससे जरूर मुश्किल हुआ, एनडीए ने भी अपनी किलेबंदी की, लेकिन ज़्यादा नुकसान आरजेडी ने दिया है। तो अगर आरजेडी उस तरीके से अपने कैंडिडेट को बिठा देती है विधानसभा चुनाव में भी तो जरूर मुश्किल होगी तमाम एनडीए के घटक दलों के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के वो बल्लेबाज हैं जो अगर फर्स्ट डाउन उतर जाए तो आखिरी डाउन तक वो बिल्कुल टिके, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। नीतीश कुमार को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? क्या 2025 में नीतीश कुमार, अगर एनडीए को बिहार में बहुमत मिलती है जो जिसके आसार जताए जा रहे हैं अभी से ही 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी जो पहले भी हर पार्टियों के साथ रही है, 2025 में नीतीश कुमार किस भूमिका में होंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।